हेलो फ्रेंड्स, आई ब्रॉट यू टू ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ द डेट लीव्स। मैं आपके सामने खजूर की पत्तियों की एक जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प को आपके सामने लेके आया हूँ। ये तिरला ग्राम में भगत जी के नाम से प्रसिद्ध, उनके घर मेरा जाना हुआ और वहाँ दीवार पे मैंने इसको टंगे देखा। ये टंगा हुआ आर्ट है। पूरी पत्तियाँ जो होती है आपने देखी है, खजूर की जो पत्तियाँ होती है वो दोनों तरफ बीच में एक लकड़ी होती है। और ये देखिए उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से इसको नीटिंग की है, और नीटिंग करके अलग अलग इसमें वेसल्स बना दिए हैं। किसी में आप पेन रख सकते हो, किसी में पेंसिल रख सकते हो, है ना, और ऐसी आइटम्स रख सकते हो, आप ब्रश रख सकते हो। और ये बिल्कुल ही इको फ्रेंडली है। ये प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। और देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है उनकी। ये खटिया पर पड़ी हुई है। और आई यूज़ टू लर्न द प्रिपेयर द मीट फ्रॉम दिस लीव्स। माई मैटरनल मदर टॉट मी, मैटरनल ग्रांडमा टॉट मी टू हाउ टू नीट इट, बट आई फॉरगोट टू हाउ टू नीट। नाउ आई कैन Now I can compare my skill which I learned in my childhood through it and I will try to it। देखिए ये बहुत ही अच्छी आर्ट है। आप लोग भी इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये जो है ये खजूर की पत्तियों की एक ही पत्ती है ये, और ये उन पत्तियों से बना है। 1 2 3 4 5 4 बने हैं ये। और इस तरीके से आप बना सकते हैं, और इसको कलर वगैरह और कर देते तो बहुत सुंदर लगेगा। और ये आप सिर्फ इसलिए नहीं, आप इसका बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं जो मैंने बताया। उसके अलावा भी ये बन सकता है पक्षियों के लिए रहने का स्थान। अगर ऐसा बना के आप आपके पीछे बगीचे में, कोर्टयार्ड में, वहाँ पर अगर आप टांग देते हैं अलग अलग पेड़ पे या दीवार पे, तो मुझे लगता है कि गोरैया इसमें आके अपने अंडे दे सकती है, वो सेफ रह सकती है इस तरीके से। तो ये एक बहुत ही अच्छी आर्ट है और मैं भी इससे बड़ा प्रभावित हुआ, तो मैं इसे ले आया हूँ और मैं आपके सामने लेके आया हूँ। थैंक यू वेरी मच।